सलमान खान की दबंग 2 में नहीं था कोई दम। 200 करोड़ कलेक्शन का रिकॉर्ड छूते एक था टाइगर के बॉक्स ऑफिस फिगर्स भी उस स्टार को इंप्रेस करने के लिए काफी नहीं। लेकिन इससे पहले कि आप समझें, उस स्टार को सलमान खान का कोई नया दुश्मन, इतना बता दिया जाए कि उसकी लड़ाई बड़े बड़े स्टार से नहीं बल्कि उनकी फिल्मों से है। फिर दबंग 2 और एक था टाइगर ही क्यों, उस स्टार के निशाने पर हाउसफुल, बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार जैसी तमाम फिल्में हैं जिनके नाम बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाई का रिकॉर्ड दर्ज है। पर वो स्टार इन फिल्मों को नहीं मानता 100 करोड़ क्लब का असली हकदार। मेरे ख्याल से यू नो दे डिजर्व दोस 100 करोड़। बर्फी कहानी एंड इंग्लिश। बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई डिजर्व करने वाली फिल्मों की नील की इस लिस्ट में रणबीर के अलावा किसी सुपरस्टार की कोई फिल्म नहीं है। न सलमान, न शाहरुख, न ही आमिर और न ही अजय देवगन की कोई फिल्म इस लिस्ट में शामिल है। इफ यू गो टू सी दिस सो कॉल्ड 100 करोड़ क्लब, आउट ऑफ विच आई गिन चुन के मैं 3 फिल्म का नाम ले सकता हूँ जो मेरे ख्याल से यू नो दे डिजर्व दोस 100 करोड़। बर्फी कहानी एंड इंग्लिश। You know, these are 3 films that I think really well deserved 100 crores. Otherwise, 100 crores has now become thing ke, because it's 100 crores, it's a good film, which scares me at times. दरअसल नील का सो कॉल्ड 100 करोड़ क्लब को लेकर ये फियर तब नजर आया है जब वो इस वीक बॉक्स ऑफिस पर आई अपनी फिल्म 3G पर बात करने जूम आए थे। लेकिन बातों ही बातों में जब कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस को उनका हक ना मिलने की बात निकली तो नील हो गए कुछ ज्यादा ही इमोशनल। Sometimes I feel, you know, I should go and do one really bad film, do nothing in the film, and trust me, it just might work. I should go and do one really bad film, do nothing in the film, and trust me, it just might work. वैसे नील को दर्द देने वाली यही बात इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स के लिए दवा साबित हुई है। मैं ऑडियंस से जुदा नहीं हूँ, मैं भी एक ऑडियंस ही हूँ, तो मुझे मेरी पल्स, मैं अपनी पल्स जान गया हूँ, जो मुझे देखना है वो मैं वही करूँगा। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी चॉइस है वो पूरे हिंदुस्तान या जितने भी सिने गोअर्स हैं उन सब की वही चॉइस है। अब सलमान खान को 25 साल के एक्सपीरियंस से मिला ये ज्ञान बॉलीवुड के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर हॉलीवुड ट्रेंड्स के बेस पर नील का ये ऑब्जर्वेशन। लुक एट द फिल्म्स अब्रॉड, इफ यू सी इन हॉलीवुड देयर आर द बिगेस्ट फिल्म्स आर फिल्म्स व्हिच आर फिक्टिशियस एंड फिक्शनल। सुपरमैन, बैटमैन, सुपरहीरो फिल्म्स, आवर सुपरहीरो फिल्म्स डोंट वर्क। We don't have superheroes. We just have one Krish. That's all. And that too, in that we have to do singing and dancing and comedy punches and all of that. भाई अब नील के इस पैशन को जवानी का जोश बता दें हमारे बॉलीवुड के मैच्योर सुपरस्टार्स तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नील शायद बता रहे हैं कि बॉलीवुड में कैसी फिल्में बननी चाहिए। Because our films are not of that level. Please see the kind of films that they make. I mean, if for example, look at Argo. You know, look at Django. Look at the films that are being made out there, and not just that. Look at the other films, the foreign language. You know, look at the Korean films. You know, look at the other films that are there. You know, their level of filmmaking is far too superior. We are very much happy in the kind of films that we are making, and with that 100 crore club and all of that, we are just in that comfort zone and we are stuck there. जबकि बॉलीवुड के established superstars अब कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी फिल्में जो producers को profits तो दिलवाए ही साथ ही audiences को भी पसंद आए। मैं audience से जुदा नहीं हूँ, मैं भी एक audience ही हूँ, और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी चॉइस है वो पूरे हिंदुस्तान या जितने भी सिने गोअर्स हैं उन सब की वही चॉइस है। उम्मीद है नील को अपने सीनियर्स की ये बात एक दिन जरूर समझ आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।